सरकारी बैंकों का घाटा 2014-15 में नहीं था, 2014-15 में सरकारी बैंकों का मुनाफा 37,540 करोड़ था। उससे पहले सरकारी बैंक मुनाफे में ही रहे, घाटे में नहीं गए। 14-15 हमने इसलिए किया क्योंकि मोदी सत्ता आने के बाद वो पहला साल था और उसे लाभ 37,540 करोड़ का था, लेकिन उसके अगले बरस घाटा 17,000 करोड़ का, उसके अगले बरस 11,000 करोड़ का, उसके अगले बरस यानी 2017-18 में 85,000 करोड़ का घाटा बैंकों का, और कोविड से ठीक पहले वाले साल में घाटा 66,000 करोड़ का। चला कौन रहा है इस देश को और देश चल कैसे रहा है, और जो पॉलिसी पेपर और रिफॉर्म के नाम पर जो नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, क्या इस डूबती अर्थव्यवस्था को और डुबाने के लिए तो नहीं है? क्योंकि जो विजन और जिन परिस्थितियों में इस देश की इकोनॉमी को संभालने का सवाल है, उसमें यह रास्ता कोई अर्थशास्त्री आंख बंद करके भी कह सकता है, जो सत्ता का सलाहकार नहीं होगा, कि यह रास्ता शायद खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये मजा क्यों आ रहा है ना, मजा मजा लो मजा।